पिछली बार मैगी खाए थे और इस बार बर्गर खा रहे हैं। Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. तो आज है संडे। आई होप पापा अच्छे होंगे। तो अभी पापा हमको पढ़ा रहे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो गाइस आज संडे है, तो संडे मतलब आज थोड़ा बारिश हो रहा है, तो कोई नया प्लानिंग नहीं है। तो अब ये है कि कुछ प्लान किया है इन बदमाश कंपनी लोगों के लिए। हाँ, एक बार स्विमिंग पूल में ऐसे बैठ के बर्गर खाएंगे। स्विमिंग पूल में बर्गर खाएंगे, बताओ। स्विमिंग पूल में लोग बर्गर खाएंगे बैठ के, ऐसे बर्गर ऐसे नहीं। पहले इसको कर लो, आंसर कर लो। अगर आप लोगों ने आंसर सही, अगर आप लोगों का आंसर सही रहा और राइटिंग अच्छी रही, तो अगले साल बीच में घूमने। अगले साल बता, अगले साल नहीं, मतलब अभी क्या चल रहा है? आज नहीं, कल नहीं, अगले साल। अगस्त को, अगस्त प्लानिंग है बेटा, घुमाएंगे आप लोग बीच में। हाँ बीच में, ओ एयर होस्टेस में। एयर होस्टेस में? एयर होस्टेस तो वो होती है जो प्लेन में जो जो हाँ अटेंड करती है जो पैसेंजर्स होते हैं उनको, उसको एयर होस्टेस बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वो क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को जो दिया है उसको करो, कर लिए? नहीं कर रहे। जब तक ये क्वेश्चन आंसर हमने इनको दिए हैं गाइस, कर रहे हैं इनके लिए जो हमने प्लान किया है, जो इनको भी नहीं मालूम है, वो जाके करते हैं। पता है? और पता है? अगले क्या? स्विमिंग पूल। हाँ स्विमिंग पूल, ठीक ठीक स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। सो गाइस आज बच्चों के लिए प्लान किया है कि ब्रेकफास्ट में बर्गर बनाएंगे उनके लिए, क्योंकि बाहर के बर्गर का जो होता है टेस्टी तो होता है, बट कैसे तेल में बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस पर थोड़ा सा वो रहता है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने खिलाया था, उसके बाद से हमने आज तक नहीं खिलाया। और वैसे भी डॉक्टर ने मना किया कि बाहर की चीज़ों को, कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को नहीं खिलाना है। तो हमने ये सोचा कि बच्चों को सेम चीज़ अगर खाना है तो घर में बना खिलाएंगे। तो ले आए हैं, और शाम को बर्गर बन ले आए थे, अभी घर में बनाएंगे तो खिलाएंगे। सो गाइस आलू ले आए हैं, अब इसको उबालते हैं। कुकर में गैस चढ़ा दिया है हमने। क्या क्या पापा, इसकी क्या बोल रहा है? हाँ नहीं, पहले हिंदी की एक पेज करो, ठीक? हिंदी करो, हिंदी आप लोगों खराब है, ठीक है? चलो इसके बाद फिर प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, करें चलो इसके बाद फिर पॉट पर ला लिया, अब फिर आप उसके लिए इसके बाद फिर आप बताओगे नहीं था। फिर दोबारा उसको उबाला, अब इस बार फाइनली उबल गया है। इसको पानी इसका निकालेंगे, गर्म पानी, ठीक है? मेड है, मेड बन जाओ, बच्चे सलाह कर रहे हैं, काम वाले बन जाओ, लिखोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो गाइस आलू तो छिल गया है, अब इसमें मसाला वगैरह मिलाना, सारा तैयार करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें बर्गर के लिए पैटीज भी बनानी है और टिकिया भी बनाना है, दो प्रिपरेशन है आज। सो गाइस बच्चों के लिए पूल रेडी कर दिया था, ये पढ़ाई कर रहे थे, इस बीच मैंने पूरा हवा भर के इसमें पानी भर दिया बढ़िया से। सुनो, दो तीन चीज सुन लो, जंप नहीं करोगे, जंप करोगे पानी बाहर निकलेगा आराम से, ठीक? तो गाइस पूल मस्ती मतलब संडे। तो भाई आगे का काम है, मैडम ने संभाल लिया है, और आज की एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आपने गेस नहीं किया होगा। गेस करो क्या क्या? पिंक पिंक, पिंकी के साथ पिंक बन गया मेरी। हाँ ठीक, तो आपका बर्गर रेडी हो रहा है, लेकिन साथ ही जंप नहीं करना।
लीजिए गाइस, मैडम को दिए थे काम, पता नहीं कहाँ प्याज छिल के चले गए। तो कहाँ हो भाई? काटा तो नहीं भाई। काटो काटो काटो। कल रात को मैं आया था तो गीला हो गया था, अब सुबह कैसे सूखे? ट्राई पॉट पर रख के सुखा रहे हैं। तो भाई देख सकते हैं पेटीज रेडी हैं, ये टिकिया की है और ये बर्गर की है। डाल दिया इसमें सेकने के लिए। तो गाइस डाल दिया, सेकाई हो रही है इसकी, सारा चीज़ रेडी है। मैडम गुस्से में भी हैं और काम भी कर रहे हैं। प्याज ये सब कट गया है बर्गर के लिए। सो गाइस होम स्टाइल बर्गर पे बर्गर पेट उस पर हमने पेटीज रख दिया है। अब चीज़ लेकर आए हैं, चीज़ लगाएंगे इस पर, चीज़ स्लाइस। चीज पेटीज गाइस 1/2 करके लगाएंगे। तो भाई ये हो गया है पेटीज, और इसके ऊपर से हम डालेंगे अब थोड़ा प्याज की स्लाइस रहेगी। प्याज तीन, तो पहले बदमाश कंपनी को लेकर चलते हैं कि बर्गर रेडी है। ये शिवांश का, ये सुभांश का है। देखो पानी में गिरेगा। देखिए पिछली बार मैगी खाए थे और इस बार बर्गर खा रहे हैं। क्या हुआ? और खाओगे? बैठो मैं लेके आऊं। दोनों के लिए ना? देखो बर्गर चार बनाया था, दो अपने लिए दो बच्चों के लिए। अब बच्चे मांग रहे देते उनको, हम लोग तो खाते रहते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कोई बात नहीं, ये लो 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 लो, यहीं रहने दो, वहाँ रखो, गिरना नीचे। हो गई इनकी मस्ती, खा लिया इन्होंने बर्गर, अब थोड़ा मस्ती कर रहे हैं पूल में। अब तैयार होंगे, निकलेंगे ऑफिस के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया इनके पूल मस्ती के चक्कर में। तो भाई यार इन्होंने किया है खूब पूल मस्ती, और साथ में खाया है पूल में बर्गर। मजा आया आपको? मजा आया। मम्मा भी बर्गर खाई, मम्मा को मजा आया? मुझे भी मजा नहीं आया। एक बचा है तो पूजा को दे देना। बना बनाया बचा है, बर्गर नहीं होगा, बंद नहीं होगा। टिकिया बची है, बर्गर नहीं बचा है। कोई बात नहीं, पूजा का किस्मत खराब। सो गाइस इन्होंने कर लिए मस्ती, अब हमारी मस्ती होने जा रही है पानी में, हम भी थोड़ी सी कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम। मैं भी आऊं? नहीं आप नहीं आए। सैनिटाइजर है बेटा, बॉडी में नहीं मारते हैं इसको, सैनिटाइजर को जब हाँ क्लीन करने के लिए होता है। अच्छा पहले नहीं बता दिया, पहले आ जाते। सो गाइस उसके बाद तैयार होंगे और निकलेंगे ऑफिस के लिए। ये सुन मैडम ने आयरन कर दिया आपको पानी के अंदर। क्या आप जा रहे हो पानी के अंदर? अब मैं भी आऊंगा। तो कौन वीडियो बनाता आपका? मम्मा बनाती। तो बोलो मम्मा इतनी बिजी थी क्या बताएं। सो गाइस निकलते हैं अब तैयार होके ऑफिस के लिए। ये गाइस निकलने वाले थे घर, लेकिन हो रही है बाहर बारिश, तो प्लान ये हुआ कि अब यहीं खा के जाएंगे। तो खाने में आज है छोले मसाला, लच्छा पराठा, अब खाएंगे, अब इंतजार करेंगे फिर बारिश रुकने का। जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक जाएंगे नहीं। जैसे कल आपने देखा कि मैं पूरा भीग गया था, तो आज ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है भीगने का। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो फिर यहीं रुक जाएंगे होटल में ही। लेकिन गाइस पहले खाते हैं खाना, उसके बाद देखा जाएगा बात का। साथ में विश्वकर्मा जी हैं हमारे। सो गाइस और आज के जजमेंट, दोनों दिन के जजमेंट मेरे फेल हो गए। प्लान ये था कि पहुंचेंगे तो भीगेंगे नहीं, 10-15 मिनट का रास्ता है। आज देखिए कल की तरह आज भी भीग गया। सो गाइस चेंज करते हैं। सो गाइस चेंज कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे, कल भी भीग गए थे, आज भी भीग गए थे।
अब इसका असर 2-3 दिन बाद नज़र आएगा। बरसात का भीगा हुआ आदमी बीमार तो पड़ता ही पड़ता है। खांसी जुकाम तो हो ही गया था। मैडम हाँ जी सुबह सो गए क्या? खाना खा के आएंगे। क्या हो रही है? नींद आ रही है। नींद आ रही है। पुनेट पपी दो। नींद आ रही है। हाँ मम्मा अभी खाना नहीं खाई बेटा, खा ले तू जा ले। ओहो हो तो उधर खा ले। लाइट बंद कर दो। हाँ छोटी वाली जला। ठीक है ठीक है आओ आओ चलो यार ला जा रही ना। अगले संडे के पूल मस्ती में पिज्जा खाएंगे। क्या खाओगे? क्या क्या खाओगे? मेरे को नींद आ रही है। नींद आ रही है। वो तो सो गया भाई साहब। आपको नहीं सुने देंगे। नहीं सुने देंगे। अब स्टॉक भी खत्म हो रहा है आम का, है ना? हैं? क्या खाना? अच्छा मतलब जरूरत थी नहीं खाएंगे। चलो खा लेते तुम्हारे साथ, कंपनी देगी एक्स्ट्रा खा लेते भाई। मैडम की देख रहे हो मम्मा क्या खा रही है। मम्मा को बोलो मम्मा आपका शकल नहीं है खाने का। देखिए यहाँ पे सब्जी है तो सब्जी नहीं खा रही मैडम, सब्जी पराठा है। पराठा खा रहे हो ना लो। क्यों क्या है इसमें? तो आज खा सकती हो ना कल? ये खाओगे? ये गाइस समझा रहे हैं मैंगो खाने के लिए। सो गाइस कर रहे हैं सोने की तैयारी, बिछाएंगे नीचे बिस्तर जैसे मैं हमेशा सोता हूँ। तो गाइस बिस्तर नीचे लग गया है, सोने की तैयारी हो रही है। मैडम लगी है फोन में। गाइस करेंगे इस ब्लॉग को एंड। होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। गुड नाइट।